हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीएसटी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीएसटी इंटरेस्ट एंड लेट फीस और उससे रिलेटेड कोविड-19 के रिलीफ्स। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 24 जून से लेके 30 जून को काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए जिससे आपको रिलीफ मिली, और इस रिलीफ के चलते आप अपने ड्यू डेट्स को अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट्स को या टैक्स पेयर्स अपने आप खुद ही इस वीडियो को देख के समझ पाएंगे कि आपको कैसे कैसे ड्यू डेट्स फॉलो करने हैं, और अगर फॉलो नहीं हो पाए तो किस टाइप से इंटरेस्ट लगेगी और लेट फीस लगेगी। तो इंटरेस्ट और लेट फीस के वेवर या रिलीफ के नोटिफिकेशंस 51 है, 52, 53, 54, 55, 57, और एक सर्कुलर आया है जो कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है उसको लेके आया है, सर्कुलर नंबर 141। तो ये सारे ही नोटिफिकेशंस काफ़ी लेंदी है, तो इसे मैंने टेबुलर फॉर्मेट में बहुत इजी वे में ड्यू डेट्स को एक ही चार्ट में समझाने का प्रयास किया है। तो काइंडली आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप अपने क्लाइंट्स को भी बता सकें और टैक्स पेयर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद अपने आप समझ पाए कि ये आपके ड्यू डेट्स अकॉर्डिंग टू टर्नओवर क्या होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GSTR 3B उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रहता है, 5 करोड़ क्रॉस नहीं होता। तो फरवरी में उनके रिटर्न का ड्यू डेट हो जाएगा 30th of June 2020, जो कि कल ही पार हुआ है। तो अगर कोई आदमी 30th of June 2020 तक लगा देता अपना रिटर्न तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी। बट सपोज़ कोई टैक्स पेयर अगर आज लगाता है या 1st of July को लगाता है तो उसे एक दिन का 9% पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सपोज़ करिए कोई टैक्स पेयर ऐसा है जो 30th of September तक भी फाइल नहीं करता, मान लीजिए ही इज़ फाइलिंग ऑन 3rd of October, तो 3rd of October को लगाने के वजह से उसका क्या होगा कि 30th of June तक तो कोई इंटरेस्ट उसे नहीं देना, पर 30th of June से लेकर 30th of September के लिए उसे 9% पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। और कोई अगर 30th of September को भी नहीं लगा पाया तो आफ्टर 30th of September टिल 3rd of October तो उसका क्या होगा, उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% करके। तो ये नियम ऐसा है कि इंटरेस्ट आपको बैलेंस डेज पे ही देना है, फ्रॉम द स्टार्टिंग 30th of June से लेके 3rd of October तक नहीं देना है। इसे क्लैरिफाई किया है सर्कुलर 141 में। तो 141 सर्कुलर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसे क्लैरिफाई करने के लिए कि आपको इंटरेस्ट बैलेंस डेज पे ही देना है। सिमिलरली मार्च का ड्यू डेट 3rd या 5th हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। तो मान लीजिए 3rd July हो जाएगा ये नंबर 1 कैटेगरी के लिए और 5th हो जाएगा 2nd वाले कैटेगरी के लिए। फरवरी और मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है 18 के लिए, 1920 है फाइनेंशियल ईयर, तो आपको टर्नओवर देखना होगा 18-19 का। तो हमेशा हमें एक साल पहले का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, बट इसके लिए हमें टर्नओवर देखना पड़ेगा 1920 का, क्योंकि सिंस मार्च एंड हो गया है और आप टर्नओवर 1920 का निकाल सकोगे तो 1920 का टर्नओवर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि अगर आपका अप टू 5 करोड़ है तो ये वाला टेबल आपके लिए अप्लीकेबल है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो रहा बात उन टैक्स पेयर्स का जिनका 5 करोड़ है टर्नओवर, इंटरेस्ट प्रोविजंस क्या होगा। अब इन्हीं टैक्स पेयर्स का लेट फी प्रोविजंस क्या होगा। तो लेट फी प्रोविजंस विल बी लाइक, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं जुलाई 17 से जनवरी 20। कोई ऐसा टैक्स पेयर है जो जनवरी 20 तक का रिटर्न भी अभी तक नहीं लगाया तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप इन पीरियड का कोई भी GSTR 3B आपने नहीं लगाया है तो आपका लेट फीस जहाँ 10,000 हुआ करता था मैक्स कैपिंग, वो मैक्स कैपिंग हो जाएगा 500 का। तो हर मंथ पे आपको 500 से ऊपर नहीं पे करना पड़ेगा लेट फीस, जो कि पहले 10,000 हुआ करता था। तो इट इज़ अ बिग रिलीफ। और सपोज़ करिए आपका कोई मंथ का रिटर्न नील है
तो नील रिटर्न लगाने के लिए आपको ज़ीरो लेट फीस देना पड़ेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड वेवर जो काउंसिल ने दिया है कंसिडरिंग कोविड एंड एवरीथिंग। तो सजेस्ट मैं यही करूँगा कि जो टैक्स पेयर्स अभी तक इन रिटर्न्स को पेंडिंग रख के रखे थे क्योंकि लेट फीस बहुत आ रही थी बट टैक्स लाइबिलिटीज इतनी नहीं थी, उन्हें ये रिटर्न अब लगा देनी चाहिए। रिटर्न लेकिन लगाने का प्रोविज़न ये है कि 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर के बीच में आपको एनी हाउ लगा देनी पड़ेगी। तो आप पूछेंगे कि कोई अगर 25 जून को लगा दिया, मतलब 1 जुलाई से पहले, तो उसे तो लेट फीस देना पड़ गया, तो क्या लेट फीस रिफ़ंड होगी? तो नहीं, ये लेट फीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो सॉरी दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी लगा दिया है और लेट फीस दे के लगाया है अपने रिटर्न, तो इसमें रिफ़ंड अभी तक कोई रिफ़ंड का प्रोविज़न या रिफ़ंड को लेके क्लैरिफिकेशन या ट्वीट नहीं आया है। अब आते हैं फरवरी के रिटर्न पे। फरवरी के रिटर्न में क्या बोल रहे हैं कि फरवरी का रिटर्न आपको लगा देना है बाय 30 जून। तो 30 जून तक आप लगा देंगे तो आपको कोई लेट फीस नहीं है। ये 30 जून वही ड्यू डेट है जो अभी हम लोग इंटरेस्ट में पढ़ के आ रहे थे कि 30 जून तक लगा दीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वैसे ही सेम मार्च का भी 3 जुलाई को लगा दीजिए या 5 को लगा दीजिए, जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे वही सेम चीज़ लगा दीजिए, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगा। बट मान लीजिए आप ये ड्यू डेट्स पे नहीं लगा पाते, मतलब इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट का रिलीफ आप नहीं ले पाते हैं ये ड्यू डेट्स पे, तो आपको साथ ही साथ इंटरेस्ट 9% का तो लगेगा ही, लेट फीस भी लगेगी। बट अच्छी बात यह है कि लेट फीस कैप कर दी गई है इसमें भी 500 पे। तो मान लीजिए आप 30 सितंबर के पहले कैसे भी फाइल कर देते हैं, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का रिटर्न अगर आप 30 सितंबर के जस्ट पहले लगाते हैं, सपोज़ करिए 29 सितंबर को लगाते हैं, तो इन सब में लेट फीस 500 से ऊपर नहीं लगेगी अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो। और अगर नील होगी, जो कि अप्रैल मंथ की, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के सब जन के ही नील लगी होगी, तो 90% लोगों की तो नील ही होगी, तो यहाँ पे आपका टैक्स लेट फीस हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ अगर लाइबिलिटी है तो मैक्स कैपिंग 500 पे होगा, ना कि 10,000। तो ये भी एक अच्छा रिलीफ है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए कि अगर 30 सितंबर तक भी आप नहीं लगा पाए, तब फिर आपको नॉर्मल लेट फीस लगेगी जो कि है 10,000, जिसका कैपिंग मैक्सिमम है 10,000 का। अब देखते हैं उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, दैट इज़ दे आर दी लार्ज टैक्स पेयर्स। तो उनसे गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि इन लोग तो कंप्लायंस टाइम पे करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उन पे इंटरेस्ट भी हम लोग ज़्यादा चार्ज करेंगे और बैलेंस डेज भी ज़्यादा की होगी। तो इसमें काफ़ी सिंपल रखा है, अप टू 5 करोड़ जैसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों के लिए तो ऐसा है कि ड्यू डेट्स अगर 20th हुआ करती थी, 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई, तो उसमें 15 दिन और जोड़ दीजिए, तो 15 दिन का आपको रिलीफ मिल गया 4 अप्रैल, 5 मई, 4 जून तक का। तो अगर आप इन डेट्स के पहले लगा देते हैं रिटर्न्स तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी। तो ये तीनों ही डेट्स पार हो चुकी है, आज 1 जुलाई है, तो मान लीजिए आपने अभी तक नहीं लगाया, तो अगर आप इन डेट्स पे नहीं लगा रहे बट 24th से पहले लगा देते हैं, तो आपको इन 4th अप्रैल से 24th जून के बीच के जितने डेज आपने डिले किए हैं उसके लिए 9% पे देना है। बट मान लीजिए आपने अभी तक नहीं लगाया, आज है 1 जुलाई, तो मान लीजिए 1 जुलाई तक आपने नहीं लगाया, तो 1 जुलाई के लिए क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, और 25 से लेके 1 जुलाई तक, मतलब 25 जून से लेके 1 जुलाई तक का आपको 18% पे देना है। तो वही बैलेंस नंबर ऑफ डेज के हिसाब है इसमें भी, जैसे कि अप टू 5 करोड़ के लिए था। मार्च के लिए 5 मई है, मतलब वही 20th ड्यू डेट हुआ करता था, तो 15 दिन और जोड़ दीजिए। तो ऐसे करके रिलीफ दिया था नोटिफिकेशन से। अब मई 2020 का देखिए, मई 2020 में कोई रिलीफ नहीं है,
उसमें ये बोला है कि हम आपको 7 दिन और देते हैं, 20th को लगानी थी तो आप 27th को लगा दीजिए। तो 27th को अगर आप लगा देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मान लीजिए आप 28th को लगाते हैं तो 28th को लगाने से क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट 18% पे ही कैलकुलेट होगा, यहाँ पे 9% वाला रिलीफ नहीं है। सिमिलरली जून में तो इन्होंने ड्यू डेट्स में जो एक 15 डेज ग्रेस 7 डेज ग्रेस देते थे वो भी हटा दिए, जून के लिए ये बोले कि 20th को लगा दीजिए, अगर लगा देते तो ठीक है, नहीं लगा पाते तो 18% लगेगा। जुलाई में भी वैसे ही 20th ऑफ अगस्त को लगा दीजिए, नहीं लगा पाते हैं तो इंटरेस्ट फुल 18% पे लगेगा। तो मोर देन 5 करोड़ वाले लोगों के लिए सिर्फ यही 3 महीने हैं जिसमें आपको 9% का बेनिफिट मिल सकता है। और इसमें भी वही सेम बात, टर्नओवर 18-19 का आपको कंसिडर करना है फेब मार्च के लिए, और अप्रैल में जून जुलाई के लिए आपको कंसिडर करना है 19-20 का। अब इन मोर देन 5 करोड़ टैक्स पेयर्स का, 5 करोड़ टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स का इंटरेस्ट प्रोविजंस के अलावा लेट फी प्रोविजंस कैसी रहेगी? तो वही सेम कैपिंग 500 का किया है इन्होंने, तो 500 का कैपिंग ज़रूर है बट अप टू 5 करोड़ वाले जैसी टर्नओवर्स नहीं है। इसमें टर्नओवर्स ऐसे है कि हम लोग अभी जो पढ़ के आ रहे थे कि 9% अगर आप 24th ऑफ जून तक लगा देते हैं फेब मार्च और अप्रैल का, तो आपको सिर्फ 9% ही इंटरेस्ट लगेगा। तो आप यहाँ तक लगा दीजिए, यहाँ 24th से पहले लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा लेट फी नील, मतलब कुछ भी लेट फी नहीं लगेगा। बट मान लीजिए आप 24th को नहीं लगा पाते हैं, मतलब आज 1st ऑफ जुलाई है, तो मान लीजिए 1st ऑफ जुलाई को आप लगाते हैं फरवरी का रिटर्न, तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा, बट लेट फीस मैक्सिमम 500 ही हो सकता है। तो सपोज करिए कोई आदमी 29th सितंबर को लगाता है, दैट इज़ बिफोर 30th ऑफ सितंबर, तो अगर आपका लाइबिलिटी है, मतलब फिगर्स आपने पुट किया है 3B में, तो मैक्सिमम लाइबिलिटी 500 होगी। और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब आप फुल्ली नील रिटर्न लगा रहे हैं, कोई कॉलम नहीं भर रहे हैं, तो आपका लेट फीस 0 हो जाएगा। इसमें भी वही एक एमनेस्टी वेवर दिया है जुलाई 17 से जनवरी 2020 वाले लोगों के लिए, कि जो लोग अभी तक नहीं लगा पाए, मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर है लेकिन अभी तक उन्होंने जनवरी 20 या उससे पहले का रिटर्न्स भी नहीं लगाए, तो उनका लेट फीस 10,000 जो हुआ करता था पर मंथ, वो 500 पर मंथ हो जाएगा। बट ये सब सबको अवेल करने का टाइम लिमिट है 30th ऑफ सितंबर, उसके बाद आपको नॉर्मल लेट फीस ही लगेगी। अब बात करते हैं GSTR 1 ड्यू डेट्स के बारे में। GSTR 1 होती है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के लिए अभी तक तो पोर्टल ने कभी भी लेट फीस नहीं मांगा है, चाहे आप टाइम पे लगाए हो या नहीं लगाए हो, बट अभी फिर से इन्होंने लेट फीस को लेके बात की है अपने नोटिफिकेशन में कि GSTR 1 की ड्यू डेट्स क्या होगी। तो GSTR 1 की ड्यू डेट्स ऐसे दी है कि आपको मार्च 2020 का, अगर आप मंथली GSTR 1 लगाते हैं तो मार्च 2020 का आपका है 10th ऑफ जुलाई, अगर 10th ऑफ जुलाई तक लगा देते हैं तो कोई लेट फीस नहीं है। अप्रैल का है 24th ऑफ जुलाई, मई का है 28th ऑफ जुलाई, और जून का है 5th ऑफ अगस्त। तो ये सब सब मंथली फाइलर्स के लिए है जो मंथली GSTR 1 लगाते हैं। जो क्वार्टरली लगाते हैं उनके लिए ड्यू डेट्स है कि जैन टू मार्च का आप लगा दीजिए 17th ऑफ जुलाई तक, अप्रैल टू जून वाले लोगों का है 3rd ऑफ अगस्त। मान लीजिए आप इन डेट्स पे नहीं लगा पाते हैं तो क्या होगा, तो आपको लेट फीस लग जाएगी अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। बट आज तक या अभी तक GSTR 1 को लेके लेट फीस गवर्नमेंट ने नहीं लगाई। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो बैलेंस नंबर ऑफ डेज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्च 2020 का GSTR 3B है 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर वाले टैक्स पेयर का। तो मार्च का ड्यू डेट क्या होता है, मार्च का ड्यू डेट हो गया 5th ऑफ मई। 5th ऑफ मई कैसे निकाला मैंने, 20th ऑफ अप्रैल से 15 दिन और ग्रेस मिला था ना, तो 5th ऑफ मई तक आप लगा देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
बट मान लीजिए आप 5th of May तक भी नहीं लगा पाते हैं, बट 24th तक लगा देते हैं, 24th कौन सा, 24th जून तक लगा देते हैं, तो इंटरेस्ट कौन सा लगेगा, 9% वाला लगेगा। और अगर आप 24th के बाद लगाते हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा 18%। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आप रिटर्न लगाते हैं 2nd of May को, मतलब आप वेल विद इन दी टाइम लगा रहे हैं, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप 20th of May को लगाते हैं, तो 20th of May को लगाने की वजह से क्या हुआ कि आपने टोटल 30 डेज का डिले किया, बट 15 डेज का तो ग्रेस था ना कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट सिर्फ 15 दिन पे लगेगा, 9% पे। वैसे ही 20th of June को लगाते हैं तो 9% ही लगेगा, बैलेंस 46 डेज पे। और 24th को लगा देते हैं तो 24th को लगाने से भी आपको 9% ही इंटरेस्ट लगेगा 50 डेज के लिए, भले ही आपने 65 डेज का डिले किया हो। बट मान लीजिए आप अगर 30th of June को लगाते हैं, मतलब 24th के बाद, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे होगा कि आपको पहले 15 डेज तो कुछ भी नहीं देना है इंटरेस्ट, बट नेक्स्ट 5th May से लेकर 24th of June में 50 डेज का डिले हो गया, तो उस पर 9% होगा। और 24th के बाद 6 दिन आपने और डिले किया, उस पर 18% पर एनम लग जाएगी। तो आप समझे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमेशा हमें बैलेंस नंबर ऑफ डेज देखना है, नॉट कि फ्रॉम दी स्टार्टिंग। इसे क्लैरिफाई किया है सर्कुलर 141, जितने भी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और इस प्रेजेंटेशन को आप देखेंगे उतना आप समझेंगे। मैं सभी का लिंक आपको भेज दूंगा, स्पेशली ये टेबल्स का भी मैं PDF लिंक आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको हेल्प हो। अब बात ये है कि क्या ये लेट फीस को पोर्टल में इनकॉर्पोरेट किया है? जी हाँ, आज ही के दिन 1st of July को GST डे भी है, CA डे भी है, तो काउंसिल ने पोर्टल में अमेंडमेंट्स कर दिया है और हमें ये गिफ्ट मिल चुकी है कि लेट फीस वेव हो चुकी है। तो उन्होंने इसे ट्वीट भी किया था, GST टैग वाले ट्वीट से, कि सारे लेट फीस को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। लेट फीस इन एक्सेस, अगर किसी ने एक्सेस पे किया क्योंकि पोर्टल के प्रॉब्लम के वजह से, तो उसे वापस उस लेट फीस का रिक्रेडिट मिल जाएगा। मतलब आपने पे कर दिया क्योंकि पोर्टल आपको दिखा रहा था लेट फीस, बट वो आपको रिक्रेडिट कर दिया जाएगा अगर आपने भूल से, गलती से पे किया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। इस नोटिफिकेशन में क्या बोल रहा था, बोल रहा है कि आपके फेब 20 से लेके जुलाई 20 तक का कोई भी रिटर्न में लेट फीस अगर आपका लग रहा है और वो इन एक्सेस ऑफ 500 हो जाता है, या उस प्रोविजंस में आपका लेट फीस आ ही नहीं रहा बट आपसे चार्ज किया गया, तो रिक्रेडिट कर दिया जाएगा आपको इन ड्यू कोर्स। तो इसका मतलब ये है कि रिक्रेडिट का बेनिफिट सिर्फ इन मंथ्स के लिए मिला है, फेब्रुअरी 2020 से जुलाई 2020। कोई ये नहीं कह सकता कि जुलाई 17 से लेके ही मुझे सारे लेट फीस का रिक्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने रिटर्न तो 30 जून के पहले लगा दी थी और लेट फीस मुझे एप्लीकेबल हो गई। तो इसे भी क्लैरिफाई किया है GST टेक ने। बट आई होप कि जिन लोगों ने टैक्स लेट फीस पे किया है उन्हें किसी प्रकार का रिक्रेडिट या वेवर दिया जाएगा, जो जुलाई 17 से जैन 20 के रिटर्न्स को 30th of June के पहले लगा चुके थे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी CA डे, हैप्पी GST डे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को मेरे वीडियो से फ़ायदा पहुँचे।